भाई 2018 लग चुका है अब तो। घर वालों ने भी अल्टीमेट दे दिया है कि या तो घर से बोरी बिस्तरा बाहर निकल के रफा दफा हो जाओ यहाँ से, या फिर कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लो। शुरुआत में इस फील्ड में आया था बहुत सपने लेकर के कि यार बस एक साल में मैक्सिमम अच्छी सी जॉब मैं ले लूँगा, ये सोचा था। लेकिन अब हो गया मुझको 2 साल, घर वालों ने पॉकेट मनी बंद कर दी है। समझ नहीं आ रहा कि कैरियर की शुरुआत कहाँ से करूँ, या फिर कहाँ पे मैंने इतनी बड़ी गलती करी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। गलती अब तक पकड़ में नहीं आ रही है। तो इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर घूमते होंगे। अगर ऐसे सवाल आपके मन में घूमते हैं तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनिएगा। बाकी फॉलो करना है या फिर नहीं करना वो आपकी मर्जी, इस पर मैं कोई बाउंडेशंस आपके ऊपर नहीं लगाऊंगा। डिसीजन आपका होगा, आज या कल, जब मर्जी आपका मन करे फॉलो करिए। अदरवाइज प्राइवेट जॉब तो है ही ना, क्या दिक्कत है? बॉस की डांट खाएंगे, एक दोस्त की लात खाएंगे, जो भी है सहन करेंगे। फ्रेंड, हम लोग क्या गलती करते हैं? हम केवल यही गलती करते हैं कि हम यहाँ वहाँ अपना माइंड भटकाते रहते हैं। कोई सीनियर हमको मिलता है जिसका सिलेक्शन होता है, हम उससे पूछते हैं कि आपने तैयारी कैसे करी, वो कहता है कि मैंने इस बुक से तैयारी करी। हम तुरंत वो बुक परचेज करके ले आते हैं, या फिर हम नए नए फील्ड में आते हैं तो हम पूछते हैं अपने सीनियर से, भैया आपने तैयारी कहाँ से करी थी? तो वो हमको एक लंबी चौड़ी बुक की एक लिस्ट थमा देता है, मैथ के ये, रीजनिंग के ये, GS के ये, इंग्लिश के ये, अपना मॉक टेस्ट ये, हम वो सब परचेज कर लेते हैं। फाइनली अपनी बुक के ऊपर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये हम खर्च कर देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते भी हैं, फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि बुक के ढेर पर बिलीव मत करो, किसी एक बुक के पीछे पड़ जाओ और ईमानदारी से उसको पढ़िए और 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 50 बार उसका रिवीजन कर डालिए, तो देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली में मैं रहता हूँ और काफ़ी सारे बच्चे को ऐसे मिलेंगे कि मात्र 2500 रुपये की शॉपिंग करते हैं बुक के वो लोग, और फाइनली CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं। 2500 रुपये टोटल बुक, इसमें इंक्लूड है आपकी मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, GS भी। जी हाँ, तो बताइए क्या वो इंसान नहीं है? तो बस तरीका होता है पढ़ने का। हम ट्रैक से भटक जाते हैं, हम किताबों की दुनिया में खो जाते हैं, और किताब की दुनिया में खोते भी कुछ इस तरह से हैं कि पता नहीं हम कितनी मनी खर्च कर देते हैं। तो अपने कब तक सपोर्ट करेंगे आप ये बताओ ना, वक्त है आपका अब उनको सपोर्ट करने का। अगर नहीं है बस की तो हाथ खड़े करो, मन से हार गए हो तो मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मन के हारे हार मन के जीते जीते, मन को समझाना आपके हाथ में है, फैसला आपका, कीमत कब चुकानी है, आज या फिर कल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाग 41 की। इसमें मैं कवर करूंगा 2014 में जो जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 136, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, याद रहेगा आपको सोडियम क्लोराइड। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान जो है अमरनाथ वो कहाँ पर है? तो ये है आपका कश्मीर में। और आपको पता है कि कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वो आता है 370 के अंतर्गत। दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है स्वयं शासन, मतलब हमारा खुद का शासन। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका बरसूर जिले, मतलब छत्तीसगढ़ में। अनकस्टर्ड अर्थ पुस्तक को झूपा लहरी ने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता है? पता है तो मुझे लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में, जरा मुझको भी चले पता कि आप कितने एक्टिव तरीके से वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं केवल टाइम पास, डाटा को बर्बाद, जियो को धोखा, अपने समय को धोखा। तो प्लीज बताइए, मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, और उसके साथ जापान का भी चिपका दीजिए, हिरोशिमा नागासाकी की डेट कि कब बम गिरा था उसके ऊपर, कौन सा बम, पता है ना आपको? क्योंकि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, पिछले वीडियो में मैं काफी बार ये बात आपसे कह चुका हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, गरबा गुजरात की नृत्य शैली है, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा जरूरत पड़ेगी।
फ्रांस और इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल क्या करता है? अलग करता है। गजनी के महमूद ने भारत पर 17 बार हमला किया था। उसके बाद गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध लड़ा था। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये आपका अशोक स्तंभ, जो कहाँ पर है? यह है आपका सारनाथ में स्थित। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सापेक्ष घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, रॉकेट जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसको बोलते हैं क्या? संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। मनुस्मृति के मुख्य रूप से संबंध जो है वह है सामाजिक व्यवस्था से और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारण होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रंगा स्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। नरेगा का विस्तारित नाम क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण होता है आपका बेनेडिक्ट विलियन से। अब हम बात करते हैं निर्धनता का निष्कासन। पंचम मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। उत्पाद शुल्क कर का संबंध वस्तुओं के उत्पादन दर से है। और विली विली से मतलब है ऑस्ट्रेलिया के समीप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। तो आपसे पूछता है कि विली विली क्या है? तो यह है एक चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये स्थान, विली विली, उष्ण कटिबंधीय, तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 फर्स्ट, राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। अब है स्टेट गोवा, राजधानी पणजी, साक्षरता 87%, पुरुष 84%, महिला 89%। विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। पेज नंबर 137। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने संघमित्रा को विदेश में भेजा था। और तीसरी बोध संगीति किसने कराई थी? अशोक ने। और फोर्थ करवाई थी आपके किसने? कनिष्क ने। अगला पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हेनरी सीडेनटॉफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने विकसित किया था। पोलिया, जो पोलियो होता है, पोलियो टीका का सबसे पहले जो तैयार किया था, इसकी खोज करी थी जॉन सॉल्क ने। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये होती है शोभ मंडल। जलियांवाला बाग कत्लेआम से अंग्रेज जनरल कौन सा एडवर्ड हैरी डायर संबंधित है? वंदे मातरम को बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। दादा साहब पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग क्षेत्र में दिया जाता है। और दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। सांभर झील जो है वो है नमक की झील, इसको बोलते हैं साल्ट लेक। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और दांडी मार्च साबरमती से क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था और दांडी में जाके समाप्त हुआ था। और इनको जो फॉलो करने वाले जो अनुयायी थे कितने थे, याद है आपको? 78। समझौता एक्सप्रेस अमृतसर और लाहौर के बीच में चलती है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। और अंडमान वे निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर।
रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी 1896 में, किसने करी थी? विवेकानंद ने करी थी, और संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हेनरी सीडेंटॉफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने विकसित किया। पोलियो टीका का सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन साल्क ने। अब देखिए हम लोग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और साराभाई के संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मंत्री को स्वीकारा था। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में होता है, और इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। विख्यात पुस्तक है इंडिका, इसके रचनाकार है मैगस्टनीज। भारतीय संसद जो जो बनी होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के द्वारा निर्माण होता है संसद का। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे जे थॉमसन को जाता है। और भारत में बैंकिंग, ये बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। बात करते हैं तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। विधानमंडल 1 सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 119, लोकसभा 17, राज्यसभा 7। तेलंगाना राष्ट्र समिति 63 है, कांग्रेस 21, भाजपा 5। पेज नंबर 138। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, और सख संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, और भारतीय विक्षोभ का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यूएनए की यूएनडीपी संस्था जनसंख्या समस्या का कार्य करती है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है, और अनुवांशिकता के क्रम को डब्ल्यू वाटसन ने अनुवांशिकी कहा था। मलेरिया को सिंकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जाता है। हीरा रासायनिक रूप से धातु कार्बोनेट है, और भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कॉर्बेट है। गांधी जी के स्वयं सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य था। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी होती है। मध्य रात्रि के सूर्य की घटना आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। अगला पॉइंट है अनुवांशिकता के सिद्धांत। जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। कोशिका का लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। शारदा चिट फंड घोटाला ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल से। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। और यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका कनाडा। लोहा मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। पॉइंट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। एड्स में WBC कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 139। TDS की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स। रक्त में 30 से 40% क्या होता है? आयरन होता है। और मालदीव गणराज्य कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। विस्मित प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक एग्जाम्पल होता है। मदर इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? कैथरीन मेयो। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है? तो ये होती है लेटराइट मिट्टी। और कपास के लिए काली मिट्टी। और काली मिट्टी मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? एग्जाम में कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है, और परिसीतन में फ्रेयन गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका फ्रेयन गैस। रक्त समूह की खोज, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है AB पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ओ पॉजिटिव, ये सब जो होता है, ये रक्त को जो डिवाइड करा गया है ब्लड ग्रुप में, ये कराया आपका कार्ल लैंड स्टीनर ने। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और नमी को हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जय जगत विनोबा भावे ने कहा था। जयगढ़ का किला बीकानेर में स्थित है।
और राज संबंध झील जो है राजस्थान में स्थित है। डायमंड हार्बर कलकत्ता का भौगोलिक उपनाम है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कुचिपुड़ी जो ये नृत्य है ये है आपका आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। और कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का ही नारा था। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग होती है। अग्निशामक मतलब जो आग को बुझाने के लिए जो ऑफिस वगैरह में आपने देखे होंगे, अपने कॉलेज में अपने स्कूलों में जो सिलेंडर लगे होते हैं उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और भाभा परमाणु केंद्र मुंबई में स्थित है। रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है आपका रॉस कॉस्मॉस। वायु में ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। और सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। देवदास के रचयिता शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग 1924 में खोला गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। और भारत के संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजी की जो आपकी हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगी। जो चीज़ मैं स्किप करवा रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपका पढ़ने का मन है, तो एक एक लाइन आप आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो केवल इतनी जीके आप पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पिछला भूल जाते हैं, तो इसकी कोई गारंटी मेरी नहीं है, इसलिए पिछला भी अपना समेट के चलिए कम से कम। चंडीगढ़ राजधानी जो है इसकी चंडीगढ़। बस पेज नंबर 140 में आते हैं हम। वायु दाब को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर। और भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य है आपका सिक्किम। भारत में सर्वाधिक लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपका हीराकुंड। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलमों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 256। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव इंग्लैंड में रखी गई थी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। और सार्वजनिक खर्चों पर नियंत्रण संसद नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1888 की अध्यक्षता करने वाले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले। पानी में हवा का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदवरदाई था। श्रीलंका पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा रामोहन राय थे। राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। देश बंधु चितरंजन दास का उपनाम था। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन श्रीहरिकोटा में स्थित है। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते संचित निधि द्वारा प्राप्त होते हैं। नींबू और संतरे में विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। आइजोल शिलालेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। और 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। न्याय सूत्र के लेखक हैं गौतम। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है आपका बोकारो स्टील प्लांट। और एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिन शब्द का ये नामकरण W.L. जोहानसन ने किया था। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। अब बात करते हैं स्टेट के बारे में। दादर और नागर हवेली। राजधानी सिलवासा। जनसंख्या घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्त्री पुरुष अनुपात 774 प्रति 1000 पुरुष। लोकसभा सदस्य 1। और राज्य का निकटतम हवाई अड्डा है मुंबई। पेज नंबर 141। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपके पतंजलि। और अष्टप्रधान शिवाजी की सरकारी परिषद थी। कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। बुद्ध स्मृति पार्क है आपका पटना में। और उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकता है या प्रतिरोध उसका करता है।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित किया था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और भारत में मीठे पानी की विशाल झील है आपकी वुलर झील। लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। जो अधिकार होता है मेन तो वो तो होता है राष्ट्रपति के पास में, लेकिन वो सलाह लेता है प्रधानमंत्री से। प्रथम भू शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो में हुई थी। तीजन बाई एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पाडवानी गायिका है। तो इनका संबंध किससे है? तो ये है सिंगर। उपभोक्ता न्याय में मुकदमा दर्ज करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शन PRO करता है। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ था। बाकी देखिए इधर की ये जो सीक्वेंस है थोड़ा सा ये लाइट है। सॉरी। अगला पॉइंट है 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के नटवर सिंह की आत्मकथा का शीर्षक है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव मतलब कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था आपका लॉर्ड लिन लिथगो। हिंदू रूप रेखा पर निर्मित जहांगीर महल आगरा के किले के अंदर स्थित है। एवा या एवोगाडो संख्या का मान होता है 6.023 × 10³। फैराड धारिता की इकाई होती है। संसद की आकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। भारतीय राज्य उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। स्टेट दमन और दीव राजधानी दमन लिंगानुपात 904 जनसंख्या घनत्व 2.192 लिंगानुपात 618 साक्षरता रेट 87.1 मेल 91.5 फीमेल 79.5 पेज नंबर 142। भारत में मानसून जून से सितंबर तक रहता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह आपका बाल विवाह से संबंधित है। और संसद में जो 0 आर होता है वो काल होता है आपका दोपहर बजे से शुरू स्टार्ट होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी। आर्य समाज की शुरुआत दयानंद सरस्वती ने की थी। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम है सनातन धर्म। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। एसी तथा डीसी का तात्पर्य क्या है? एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। गीता रहस्य के लेखक यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और संश्लिष्ट तंतु नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्त में चलता है। यह केपलर का नियम कहलाता है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी द्वारा लिखी गई। शास्त्रीय संगीत सामदेव से संबंधित है। विधि के समक्ष समानता संविधान में अमेरिका और आयरिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। विदेश या बिहार का एक लोक नृत्य है। अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला सेंट जॉर्ज किला था। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेलों के कोचों को दिया जाता है और महान शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब फांसी दी गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था उस समय लॉर्ड इरविन। 49वां अक्षांश पैरेलल अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और GST में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। एक मार्क गुणवत्ता से संबंधित है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं। हमारे संविधान का भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है। धुंध कोहरा और धुआं का संयोजन है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता दी गई है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। पेज नंबर 143। बेगम अख्तर शास्त्रीय गायिका थी। सार्क जो है सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था और एलिस इन वंडरलैंड लेविस
कैरोल द्वारा लिखा गया चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। वह प्रथम भारतीय शासक फिरोज तुगलक था जिसने अपने राज्य के खर्च पर हज यात्रा का संचालन किया था। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? तो ये आपकी लंदन। और अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था आपका यूरी गागरीन। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वो होता है आपका 21 जून। भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना चेन्नई में हुई थी। संसदीय व्यय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। भारी जल हैवी वाटर परमाणु संयंत्र में उपयोग में लाया जाता है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चेकमेट शब्द शतरंज से संबंधित है। झीलों का शहर नैनीताल को कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच के लिए ईसीजी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 को। बेरीनाग झील उत्तराखंड में स्थित है। और बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह आपका हैदराबाद में। अब पढ़ते हैं बात पुदुचेरी। राजधानी पुदुचेरी। लिंग अनुपात 965। जनसंख्या घनत्व 2.547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 1038। साक्षरता 85, पुरुष 91, महिला 80%। विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 33, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, राज्यसभा 1, प्रथम मुख्यमंत्री एडवर्ड गॉबर्ड, प्रथम उपराज्यपाल एस एल सलीम। पेज नंबर 144। देखिए रॉकेट जो होता है, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है स्टीव जॉब्स। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है कि कौन से न्यायालय में कितने न्यायाधीश होने चाहिए। 5 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। सबसे ज्यादा किसमें हैं? तो वो है आपके इलाहाबाद कोर्ट के अंदर। पंजाब की 5 नदियां सिंधु से मिठान कोट में मिलती हैं। देखिए पंजाब को 5 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां होती हैं। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। सेल फोन विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हम मोबाइल पे बात करते हैं ना, तो वो सब जो रेज जो जाती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का पहला सर्व महिला बैंक भारतीय महिला बैंक है। जवाहरलाल नेहरू योजना जो है ये राजीव गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। और लार बहिस्रावी ग्रंथि का एक एग्जाम्पल होता है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति लिग्नो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। तेलंगाना राज्य जो बना था, ये बना था 2 जून 2014 को। पाइरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद में सार गैसो सागर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। संसद के गैर सदस्यों में से भारत के अटॉर्नी जनरल संसद को संबोधित कर सकता है। अनहैप्पी इंडिया राइटर हैं इसके लाला लाजपत राय। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभारी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनियम क्लोराइड होता है। जब लंदन में पहला गोल मेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके रैमसे मैक डोनाल्ड। अब बात करते हैं राज्यसभा लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31,
लोकसभा 80, उसके बाद बिहार 16, 40 लोकसभा, तेलंगाना 7, 17, गोवा और दिल्ली याद रखिएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। तो फ्रेंड ये थे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की। रेलवे के स्टूडेंट से बस केवल इतना कहना चाहूँगा, देखिए आप ढेर के चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो आप बस केवल कम से कम इतना तो पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में, और आप देखना कि आपका कितना कुछ फंसने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो बस केवल भूलना मत, रिविज़न ज़रूर करना, टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने का, अब बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है। थिंक अबाउट इट, मेरी बातों पर विचार करिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए जो भी आपका फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप यूज़ करते हैं नेटवर्किंग साइट, उसके माध्यम से इस वीडियो के लिंक को प्लीज़ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।